साथियों, हम आज की वीडियो में बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के नए सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से बात चली हुई थी इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को चेंज करने के बारे में। डीजीटी चाहता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को कम कर दिया जाए, उसके जो वर्किंग आवर है 80 घंटे से 40 घंटे कर दिए जाए। तो उसी को लेकर आज डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज डिपार्टमेंट ने कंफर्म कर दिया है, जो मीटिंग में बात हुई थी कि उसका सिलेबस को चेंज करना है। तो आज डिपार्टमेंट ने लेटर के साथ सिलेबस को चेंज कर दिया है और उसकी कॉपी भी भेज दी है सभी आईटीआई को। तो ये जो सिलेबस है ये पूरे इंडिया में लागू रहेगा, क्योंकि ये जो चेंज किया है डीजीटी ने किया है। तो जितने भी राज्य हैं पूरे इंडिया में, सभी राज्य में, सभी स्टेट में इसको चेंज करके जो नया सिलेबस दिया गया उसी के अनुसार पढ़ा जाएगा। और ये जो चेंज हुए हैं नए सेशन से हुए हैं। अभी जो पेपर होंगे बच्चों के 2021-22 के सेशन वाले बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, उनका जो भी पेपर होगा नए सिलेबस के अनुसार होगा। तो इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं, उसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में, जहां मिलती है आपको आईटीआई से रिलेटेड सभी जरूरी अपडेट्स। तो जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली अपडेट भी समय से मिलती रहे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक लेटर जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसका हेडिंग है मिनट ऑफ मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 10 मार्च 2022 एट 12 noon। ये उस मीटिंग का हवाला दिया गया है जिस मीटिंग में ये चर्चा चली थी कि ईडी के सिलेबस को चेंज करना है। तो इसमें आगे कहा गया कि जो मीटिंग में फैसला लिया गया था कि ड्राइंग के सिलेबस को चेंज किया जाएगा, तो वो चेंज कर दिया गया है। और जो रिवाइज सिलेबस है, यानी जो चेंज किया गया सिलेबस है, इस लेटर के साथ अटैच है। तो आइए चलते हैं हम सिलेबस की कॉपी पर और देखते हैं क्या क्या चेंज उसमें किए गए। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर कॉपी दिखाई दे रही होगी रिवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस। इसकी जो कॉपी है आप हमसे प्राप्त कर सकते हो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जब टेलीग्राम पर सर्च करोगे ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो, अपना ट्रेड वाइज सिलेबस देख सकते हो। इसके अलावा हम टेलीग्राम चैनल पर हमारे जितने भी अपडेट होती है, जितने लेटर होते हैं, जितने नोटिस होते हैं, सभी डालते हैं। तो आप इसको चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9896694185 इस पे व्हाट्सएप करोगे और लिख दोगे कि मुझे ये नए सिलेबस की कॉपी चाहिए, तो मैं आपको वहां भी भेज दूंगा। तो अभी बात करते हैं कि क्या क्या इसमें चेंज किए गए वो देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जो 40 आवर रिवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस ऑफ 40 आवर फ्रॉम 80 आवर, जो पहले 80 घंटे होते थे वो रिड्यूस करके अब 80 नहीं है, वो क्या कर दिए, आधे कर दिए हैं, केवल 40 घंटे रख दिए हैं सिलेबस के, यानी लगभग सिलेबस को आधा कर दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ 75 ट्रेड ऑफ 29 ग्रुप्स, 75 ट्रेडों का सिलेबस चेंज कर दिया गया, जिस अलग अलग ग्रुप बनाए गए 29 ग्रुप की बात करें, इन 29 ग्रुप में 75 ट्रेड आती हैं। अंडर द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि CTS एप्लीकेबल फ्रॉम 2021 to 2022 सेशन, 2021-22 वाले सेशन पर भी ये लागू रहेगा। अभी जो पेपर होंगे इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो ये चेंज किए गए हैं, एक तो टाइम घटा दिया गया है, दूसरी बात है ये नए सेशन से सेम लागू रहेगा। इसके अलावा एक स्पेशल नोट दिया गया है कि आप जो पेपर होगा उसमें जो फ्री एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके लिए आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मिलेंगे। जो भी फ्री एंड ड्राइंग होती थी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसका पेपर नहीं होगा, लेकिन उसके आपको असेसमेंट मार्क्स दिए जाएंगे। वो टीचर पर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। दूसरी बात है, A few MCQs question of ED will be the part of trade theory computer based test, यानी कि ED के कुछ multiple choice question जो आपका exam होगा trade theory का CBT exam, तो उसी में add कर दिए गए, यानी drawing के भी जो question होंगे option type question होंगे वो किस paper के साथ आएंगे, आपके trade theory के paper के साथ ही आएंगे, अलग से कोई exam नहीं होगा drawing का। तो ये भी एक इसमें बदलाव किया गया। इसके अलावा इसमें आगे एक नोट और दिया गया, जो ड्राफ्ट्समैन ग्रुप की ट्रेड हैं, जैसे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, उसमें जो ईडी है वो एक उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इन ट्रेडों में क्या होगा, ड्राइंग का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और इसमें अगर सिलेबस में कोई चेंज होता है तो वो अलग से बताया जाएगा, अलग लेटर में आपको बताया जाएगा। तो ये चीज भी नोट करने की है। अब सिलेबस में देख लेते हैं कैसे है। तो जब आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो आप यहां देखोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग अंडर CTS, यहां ग्रुप लिखे गए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग,
और ये ट्रेड के नाम है। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ ट्रेड कौन सी, आर्टिसन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। तो ये इस ट्रेडों का जो सिलेबस है वो ये रहेगा। तो यहाँ आपके टॉपिक के नाम है और यहाँ पर आपके ड्यूरेशन है। तो अगर इस सिलेबस की बात करूं मैं तो इसमें लगभग जो चेंज किए गए हैं, जो पहला चैप्टर है उसमें कोई चेंज नहीं है, सेकंड चैप्टर में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, थर्ड चैप्टर को आधा कर दिया गया है। इसके अलावा जो लेटरिंग एंड नंबरिंग है, अलग चैप्टर होता था, इसको इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। और जो लेटरिंग और नंबरिंग केवल सिंगल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक और इंक्लाइन स्ट्रोक सिलेबस से निकाल दिया गया है। डाइमेंशनिंग का चैप्टर बहुत आसान है, सिंबल्स सिर्फ जॉब के रिलेटेड ट्रेड है उसके सिंबल करने, इसके अलावा पहले आपको कई ट्रेडों के सिंबल करने होते थे। फिर है कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग, कैसे ड्राइंग को पढ़ना है और उसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, छोटा चैप्टर ये पहले भी था अब भी है, तो सारा फोकस इसी पर रहेगा, 14 घंटे का चैप्टर रहेगा। इसके अलावा रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग रिलेटेड टू ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी जॉब ड्राइंग है उसको पढ़ना आपको आना चाहिए, वो सिखाया जाएगा। तो जो मेन बात है, जो मेन टॉपिक होता था हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, जो एक क्वेश्चन आता था सभी एग्जाम में, उसको डिलीट कर दिया गया है, इससे हटा दिया गया है। बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती थी, इसको बिल्कुल हटा दिया गया। जो टोटल घंटे हैं वो 80 से 40 घंटे इसी प्रकार से हटा दिए गए हैं कुछ टॉपिक, तो 40 घंटे का सिलेबस रह गया। तो आप अपने जितने भी सिलेबस हैं तो आप यहां से देख सकते हैं अलग अलग ट्रेडों के, तो आप ये डाउनलोड जरूर कर लें। तो जैसे इसके अलावा अब देख लो, ग्रुप टू में आपकी जो ट्रेड है सोलर टेक्नीशियन है, इसका जो सिलेबस है वो अलग अलग है, सभी ट्रेडों के सिलेबस अलग अलग, कुछ ना कुछ अलग अलग चेंज इनमें किए गए हैं, तो आप अपनी ट्रेड अनुसार इसको पढ़ लें। ये देख सकते हो इसमें यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, तो ये ट्रेड है। आप यहाँ देख सकते हो जितनी भी वेल्डर की ट्रेड है, वेल्डर, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर जीएम एडब्ल्यू जीटीएडब्ल्यू, वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चर, जितनी वेल्डिंग के हैं वो सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं वेल्डिंग वाले बच्चे। तो अपनी ट्रेड का सिलेबस यहाँ से देख लें, इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उस पर हम सभी अपडेट को डाल देते हैं, और जो बड़े लेटर होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है तो हम वहीं डालते हैं। तो इस लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन टेलीग्राम पे तो आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सअप कर सकते हो 9896694185 पे, डायरेक्ट भी आपको मैं भेज सकता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर ग्रुप 18, इसमें आपकी जो 2 साल की ट्रेड है वो फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मशीन टूल, तो ये जो 2 साल की ट्रेड है उनका सिलेबस यहाँ से आपको दिया गया है, तो ये आप देख सकते हो। ये सेकंड ईयर का है, जो 2 साल की ट्रेड है उनका सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया है, ये भी 40 घंटे ही रहेगा। तो साथियों ये थी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में देनी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ दिक्कत होती, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट के मैं प्रत्येक के जवाब आपको जरूर देता हूं। इसके अलावा जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिस उसको समय से मिलता रहे। और जो बच्चा नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।